नमस्कार, वेलकम टू शोहीज किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी कोफ्ता करी। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। हमेशा की तरह अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने एक छोटे साइज की लौकी ली थी, जिसको छील करके धो लिया है और अभी हम इसको कद्दूकस करेंगे। ये दो बड़े साइज की हमने प्याज ली है, जिसका भी बारीक पेस्ट बनाएंगे। ये दो अदरक के टुकड़े हैं, इनको भी इसी पेस्ट में डालेंगे। और ये 6-7 लहसुन की छिली हुई कलियाँ हैं, इन सभी को मिलाकर अभी हम एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। ये एक बड़े साइज का प्याज लिया था हमने, जिसको बहुत बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और अभी हम कोफ्ता बनाते समय पकौड़ों में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 4 लाल टमाटर लिए हैं, इनको अभी पीस कर इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इन लौकियों को कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसी तरीके से इस पूरी लौकी को कद्दूकस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारी लौकी कद्दूकस कर लिया है। और ये कसते समय जितने बीज थे लौकी के, वो सब एक साइड में आ गए हैं। अब इन बीजों को हम बाहर कर देते हैं और इस लौकी को निचोड़ कर हम इसका पानी बाहर कर देते हैं। इसका पानी हमको बहुत अच्छे से निकालना है, वरना हमारे कोफ्ते बहुत पतले हो जाएंगे और उनकी बाइंडिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। हमने लौकी को कस लिया है, अब हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम ये कटे हुए प्याज डालेंगे, ये लहसुन भी डाल देंगे इसमें, और ये अदरक के टुकड़े भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। इस प्याज के पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में हम इन टमाटरों की प्यूरी बना लेते हैं। हमने टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर ली है। अब हम कोफ्ते का मटेरियल तैयार करते हैं। इसमें हम ये कटे हुए प्याज मिलाएंगे। थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें करीब 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे। फिर लास्ट में हम इसकी बाइंडिंग करने के लिए सबसे मेन सामान बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम दोस्तों पहले थोड़ा ही सा डालेंगे, अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। शुरुआत में हम इसमें थोड़ा ही बेसन डालेंगे। अंदाज से नमक मिलाएंगे इसमें। अब सबको हम मिक्स कर देंगे। हाथ से मिक्स करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नमक इसमें दोस्तों हमेशा बाद में ही डालिए, क्योंकि लौकी जो है काफ़ी अमाउंट में पानी छोड़ती है। अगर आप पहले नमक डाल देंगे तो पेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। ये देखिए, अभी इसमें थोड़े बेसन को और मिलाएंगे। अब कोफ्ते का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इनको तलना शुरू करते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इन कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा बड़े साइज के ना हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज के हों। अगर इनका साइज मीडियम रहेगा तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे और फ्राई करने में भी आसानी होगी। एक बार में कढ़ाई में जितने कोफ्ते आए बस उतने ही डालिए। धीरे धीरे हम इन कोफ्तों को पलटते रहेंगे। हमें इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमारे कोफ्ते डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा कलर आया है इनका। एक एक करके हम इनको बाहर निकालेंगे। और सेम मेथड से हम
बाकी के सारे कोफ्ते भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमने सारे कोफ्तों को फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बने हैं दोस्तों, इन्हें आप ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब हम कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करते हैं। तेल हमारा पहले ही से गर्म है तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं। फिर हम इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। प्याज को हमें तभी तक पकाना है दोस्तों जब तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज का पेस्ट हमारा पक चुका है, अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। हमारा टमाटर और प्याज का पेस्ट पक चुका है, अब इसमें हम बारी बारी से सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी हम थोड़ी डालेंगे। थोड़ा धनिया पाउडर, करीब 1.5 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर। और 1 चम्मच ये गरम मसाला। थोड़ी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा ही करेंगे क्योंकि अभी हम कोफ्ते में भी डाल चुके हैं, तो अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम अंदाज से नमक डालेंगे। अब सारे मसालों को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको करीब हम 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। खुलकर चेक कर लेते हैं इसको। अभी हम मसाले को थोड़ा और पकाएंगे, अभी इसमें तेल अलग नहीं हुआ है तो थोड़ी देर इसको और हम पकने देते हैं। इस बार मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। तेल मसाले से अलग हो गया है, इससे पता चलता है कि ये अच्छे से पक चुका है। अब थोड़ा सा इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, इससे दोस्तों कोफ्ते का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। मसाला हमने दोस्तों बहुत अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे।
पानी हम इसमें दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि कोफ्ते जो है पानी बहुत सूखते हैं और बाद में हमारी ग्रेवी जो है बहुत कम पड़ जाती है। इस वजह से हम एक बार में थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे। अब हम इसको करीब 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। कोफ्ते की ग्रेवी दोस्तों बहुत अच्छे से पक चुकी है। बस इसी समय हम इसमें ये कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ता डालने के बाद दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, क्योंकि लौकी के कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा देर पकाने पर ये इसमें गल सकते हैं। तो हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। कोफ्ते हमारे पक चुके हैं दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और ये हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। ऊपर से थोड़ा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, वो थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं, बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाने वाला कोफ्ता है ये। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और अपनी लौकी कोफ्ता करी को सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी लौकी कोफ्ता करी बनके एकदम तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी, एक बार आप भी इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।